गुड आफ्टरनून एवरी वन. टुडेज़ टॉपिक इज़ लिवर कैंसर ऑन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस वॉट इज़ लिवर कैंसर. लास्ट वीडियो आई हैव डन एंड नाउ नेक्स्ट इज वीडियो लिवर कैंसर. तो वॉट इज़ द लिवर कैंसर वी आर गोइंग टू नो एंड डिस्कस अबाउट इट. मेनली लिवर कैंसर जो होता है उसे हम लोग लिवर कैंसर को हम लोग एक तरीके से हेपेटिक कैंसर भी कहते हैं. तो हेपेटिक कैंसर कहने का मेनली क्या होता है कि लिवर कैंसर को जैसे कि आप लोग कहते हैं हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस बी, सेम वैसे ही क्या है लिवर कैंसर को हम लोग हेपेटिक कैंसर भी कहते हैं. इसके अंदर जो होता है प्राइमरी हेपेटिक कैंसर. प्राइमरी हेपेटिक कैंसर का मतलब जो लिवर के अंदर ही जनरेटेड मीन्स लिवर्स के सेल्स के अबनॉर्मल तरीके से ग्रो करने की वजह से जो कैंसर होता है उसे हम प्राइमरी हेपेटिक कैंसर कह सकते हैं. वहीं पर सेकेंडरी हेपेटिक कैंसर या फिर मेटास्टेसिस लिवर मेटास्टेसिस जिसे हम कहते हैं वो तब होता है जैसे कि डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू कैंसर. फॉर एग्जांपल अगर रीनल कैंसर था तब लिवर कैंसर वो मेटा उस रीनल कैंसर के अंदर मेटास्टेसिस होने की वजह से लिवर के अंदर जो ट्रांसफ़र हुए सेल्स एबनॉर्मल सेल्स जिसकी वजह से लिवर में कैंसर स्टार्ट हुआ है तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी कैंसर्स और लिवर मेटास्टेसिस. मतलब किसी और ऑर्गन में कैंसर होने की वजह से उनके अंदर मेटास्टेसिस होने के बाद जो लिवर के अंदर जब कैंसर डेवलप होता है उसे हम कहते हैं लिवर मेटास्टेसिस. तो मेनली हमें ये पता है कि कैंसर क्या है. एक तरीके से एबनॉर्मल सेल ग्रोथ है. एबनॉर्मली जो सेल्स ग्रो कर रही है उनको हम लोग क्या कहते हैं कैंसर कहते हैं. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द एटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स. एटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर इज़ दैट कि जो सबसे पहला जो होता है मेन कॉजेज और जो रिस्क फैक्टर्स जो है इसके एक है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स. हम ये जानते हैं कि बहुत से एथलीट्स से जिम के अंदर जो होते हैं वो लोग सब क्या करते हैं स्टेरॉइड्स लेते हैं टू मेक द बॉडी स्ट्रॉन्ग वर्क मोर. तो उसके अकॉर्डिंग जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो क्या करते हैं एक तरीके से धीरे धीरे क्या करते हैं लिवर की एबिलिटीज़ जो होती है उन्हें धीरे धीरे डिटोरेट करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से कैंसर होने के चांसेस रहते हैं. क्योंकि स्टेरॉइड्स वालों के लिए हमें जो है प्रॉपरली डाइजेशन वालों की ज़रूरत पड़ती है और एक्सेसिव स्टेरॉइड जो होता है वो हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है. तो इसीलिए क्या है एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो होते हैं जो जिमनास्टिक्स या फिर जो है एथलीट्स और यूज़ करते हैं वो क्या करता है लिवर कैंसर के कॉज बन सकता है. उसके अलावा अल्फा टॉक्सिन्स. अल्फा टॉक्सिन्स मतलब कुछ जो हमारे फैट फूड्स होते हैं कुछ फूड्स को बनाने के लिए हम किसी तरीके के जो फंगस वालों को डेवलप करते हैं वो सब क्या करते हैं बॉडी के अंदर जाकर एक तरीके से एबनॉर्मल ग्रोथ करते हैं. और जिस इट मीन्स मैंने जैसे कहा था एबनॉर्मल सेल्स के ग्रोथ होने के लिए उनको किसी न किसी तरीके के कार्सिनोजेंस की डेवलप ज़रूरत होती है जो उन सेल्स को डेवलप करने में हेल्प करती है. नेक्स्ट इज लिवर सिरोसिस. लिवर सिरोसिस है पेशेंट को जिसकी वजह से जो है ऑलरेडी लिवर इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली जिसकी वजह से क्या होता है कि मेनली लिवर कैंसर होने के चांसेस रहते हैं. पेशेंट विद डायबिटीज़. डायबिटीज़ पेशेंट का लिवर कैंसर होने का मेन कॉज ही होता है कि डायबिटिक पेशेंट है उसको हेपेटाइटिस ए या बी है. ठीक है हेपेटाइटिस ए या बी के साथ साथ पेशेंट इज़ कंटिन्यूसली ऑन दैट स्मोकिंग एंड अल्कोहलिंग और सब कुछ. तो डायबिटीज़ एक ऐसा फैक्टर है जो धीरे धीरे हर एक ऑर्गन्स को डैमेज करने में हेल्प करता है. तो सेम वैसे ही इसके अंदर हेपेटाइटिस ए एंड बी भी है पेशेंट को और भी ऐसे फैक्टर्स आ रहे हैं डायबिटिक पेशेंट को तो जिसकी वजह से लिवर कैंसर होने के चांसेस रहते हैं. फैमिली हिस्ट्री ओबेसिटी अल्कोहल लो इम्यूनिटी. जेंडर इज़ नॉट स्पेसिफिक. मेनली ये जो होता है मीन्स जेंडर का मतलब ये है कि जो जितना ज़्यादा स्टेरॉइड्स और सब लेता है उनके अकॉर्डिंग. फॉर एग्जांपल मेल जेंडर्स में ज़्यादा होने के होते हैं क्योंकि वो लोग अल्कोहल स्मोकिंग स्टेरॉइड्स ये सब ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में लेने की वजह से इन्हें जो है लिवर कैंसर्स मेल्स के अंदर ज़्यादा प्रोन होने के चांसेस रहते हैं. एंड स्मोकिंग अल्कोहलिज्म ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब तो लिवर सिरोसिस लिवर कैंसर और क्रिएट करने में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टेजेस ऑफ लिवर कैंसर. फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि लिवर के अंदर ही ट्यूमर ग्रो कर रहा है स्मॉल साइज़ का 2 mm का है. तो बाद फर्स्ट स्टेज के अंदर हमें ये पता चलता है कि लिवर के अंदर कोई ट्यूमर है कोई मोल है उसे हम स्टेज वन कहेंगे. स्टेज टू के अंदर क्या होता है वो ट्यूमर थोड़ा सा और बड़ा हो गया या फिर उस ट्यूमर से और ट्यूमर्स का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया दैट इज़ कॉल्ड स्टेज टू. कई बार ये होता है कि स्टेज टू के अंदर वो ट्यूमर ब्लड वेसल्स के अंदर तक क्या कर रहा है स्प्रेड होने शुरू हो गए तो स्टेज टू होता है. स्टेज थ्री के अंदर वो ट्यूमर और बड़े हो रहे हैं और फिर धीरे धीरे लिवर के जो है इनर एरियाज आउटर एरियाज के अंदर स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं इसके. और स्टेज फोर के अंदर जो होता है ट्यूमर्स जो है मेटास्टेसिस क्रॉस कर रहा है मीन्स दे आर क्रॉसिंग द लिवर और उसके बाद बाकी ऑर्गन्स के अंदर स्प्रेड होने शुरू हो गए स्टेज फोर के अंदर.
नेक्स्ट इज़ द क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स जो हम लोग देखते हैं. क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स के अंदर लिवर कैंसर्स के अंदर भी मेनली क्या होता है कि स्टार्टिंग में अर्ली स्टेजेस में, जैसे ही जब ट्यूमर डेवलप हो रहा है या फिर ट्यूमर आ गया, उस टाइम पे क्या होता है कि कोई साइन एंड सिम्टम लिवर शो नहीं करता है. उस टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसे साइन एंड सिम्टम्स हमें दिखते नहीं है कि पेशेंट की बॉडी के अंदर कोई डिजीज़ हो, कुछ हो. एक्टिविटीज़ आर नॉर्मली गोइंग ऑन. और उसके बाद जो होता है धीरे धीरे जॉन्डिस, फॉर एग्जाम्पल बिलरुबिन जूसेस का जो है बिलरुबिन का अमाउंट इंक्रीज होना, जॉन्डिस सिम्टम्स आने शुरू जाते हैं, येलो स्किन येलोइश होनी शुरू जाती है, बॉडी के जो आइस जो है आइस के अंदर जो वाइटिश पार्ट है उसके अंदर येलोइश कलर्स और सब आने लग जाते हैं. तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं धीरे धीरे जॉन्डिस कॉज करने के रीज़न बन सकते हैं. स्टूल का कलर चेंज होना, वाइट और चॉक कलर का स्टूल का होना, उसके अलावा जो है एब्डोमिनल स्वेलिंग होना, पालपेट करने पर एब्डोमिनल मास का फील होना हमें, ठीक है, वीकनेस, फेटीग, वेट लॉस, अनएक्सपेक्टेडली वेट लॉस होना शुरू हो जाता है पेशेंट का, एनोरेक्सिया, अपर एब्डोमिनल पेन्स, ठीक है, ट्यूमर सब होने की वजह से. तो ये सब चीज़ें जो होती है मेनली कुछ साइन एंड सिम्टम्स ऐसे हैं जो लिवर कैंसर कॉज करने में हेल्प करता है. लिवर क्लास कैंसर कॉज होने के बाद कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स शो होते हैं, ये वो साइन एंड सिम्टम्स हैं. अर्ली स्टेजेस में नहीं होता तो हमें इतना नहीं पता चलता, मगर जॉन्डिस और सब भी होता है तो लोग ये सोचते हैं कि हेपेटाइटिस ए है पेशेंट को और सब कुछ. तो धीरे धीरे क्या करते हैं ये सिम्टम्स और ज़्यादा प्रिवेल होने शुरू जाते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहने शुरू जाते हैं. तब हम लोग जो है पेशेंट की कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं, कुछ ऐसे टेस्ट जिससे हम लोग कन्फर्म कर सकें कि पेशेंट जो है उसको पेशेंट को जो है मेनली लिवर कैंसर है, ये कंफर्म करने के लिए हम लोग उसके बाद कुछ टेस्ट करवाते हैं. हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन वी आर एग्जामिन. अल्फा फीटो प्रोटीन टेस्ट एक ऐसा ब्लड टेस्ट है जिसके अंदर हम अल्फा फीटो प्रोटीन का जो लेवल है उसे चेक करते हैं. लिवर कैंसर के अंदर अल्फा फीटो प्रोटीन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और जिससे कि हम लोग ये पता कर सकते हैं कि पेशेंट इज़ हैविंग अ लिवर कैंसर. उसके अलावा सीटी स्कैन, एमआरआई, बायोप्सी, लिवर बायोप्सी हम लोग करवाते हैं स्मॉल टिश्यू को लेकर, उसके बाद उन्हें उनकी बायोप्सी जो है साइटोलॉजी और सब करवा कर हम देखते हैं कि पेशेंट को ट्यूमर है या नहीं है. उसके अलावा अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, यूएसजी अल्ट्रासाउंड गाइडेड जो होता है, अल्ट्रासाउंड जो होता है वो हम करवाते हैं. इसके अंदर ये कुछ ऐसे टेस्ट है जिससे हम लोग ये कंफर्म कर सकते हैं कि दैट पेशेंट इज़ हैविंग अ लिवर कैंसर. नेक्स्ट मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के अंदर एज ऑलवेज हम लोग रेडिएशन देते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं, कई बार हम लोग कॉम्बिनेशन में रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी देते हैं, सर्जरी लाइक लिवर ट्रांसप्लांट करवाना पेशेंट का, या फिर हेपेटोमेगैली करवाना, हेपेटेक्टोमी करवाना, सॉरी हेपेटेक्टोमी करवाना या फिर लिवर ट्रांसप्लांट करवाना. हेपेटेक्टोमी और लिवर ट्रांसप्लांट जो होते हैं ये तब किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी ऑफ द कंडीशन, और कितना ट्यूमर जो है बढ़ रहा है पेशेंट की बॉडी के अंदर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं पेशेंट का जो है हम लोग ट्रीटमेंट प्लान करते हैं. रेडिएशन और कीमोथेरेपी कॉम्बिनेशन में देना है या सिर्फ रेडिएशन या कीमोथेरेपी देना है, ये सब हम लोग तब डिस्कस कर हम उसके अकॉर्डिंग देते हैं. नेक्स्ट वी व्हाट आर द नर्सिंग मैनेजमेंट्स. सबसे पहला है कि पेशेंट को जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड है इट शुड बी गिवन ऑन टाइम. इस टाइम पे लिवर कैंसर के टाइम पे पेशेंट को सीवियर एब्डोमिनल पेन और सब होता है आफ्टर सेकेंड स्टेज के बाद. तो थर्ड स्टेज के अंदर पेशेंट को सीवियर एब्डोमिनल पेन्स होते हैं, तो उस टाइम पे उनके स्पेशली एनाल्जेसिक मेडिसिन का ध्यान रखना, कौन सी एनाल्जेसिक मेडिसिन देनी है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना. पेशेंट की डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर सोडियम और एक्सेसिव फ्रूट फ्रूट्स यानी चाहिए प्रोटीन, ये सब रिस्ट्रिक्टेड डाइट होनी चाहिए. पेशेंट को अगर एक्सट्रीमिटीज़ में एडिमा है तो उनके लेग्स को जो है पिलोस के ऊपर हम लोग लिफ्टअप कर रख देते हैं. उसके अलावा जो होता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना पेशेंट को, पेशेंट के यूरिन के कलर्स को एग्जामिन करना कि कितना ज़्यादा है, टेस्ट जो बोले जाते हैं उनको करवाना. अगर पेशेंट सर्जरी में जाने वाला है तो सर्जरी के लेकर जितने भी टेस्ट है, जो भी रिपोर्ट्स रूटीन्स और जो भी होने हैं, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. पेशेंट को प्रॉपरली साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स के साथ सर्जरी के लिए रेडी करना, ये सब जो है नर्सेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि क्योंकि वो पेशेंट के साथ अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है तो उन्हें पता होना चाहिए कि पेशेंट किस तरीके से क्या क्या टेस्ट होने हैं, कौन सी मेडिकेशन कब देनी है, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट किस चीज़ से रिलेटेड देना है. करेक्ट एजुकेशन टू द पेशेंट एंड अटेंडिंग देना बहुत ज़रूरी है. थैंक यू क्लास.